हरिद्वार से मिल रही है, जहां कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन का धमकी देते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एक ऑडियो वायरल हुआ है और एक बार फिर से विवादों में है प्रणब चैंपियन। चैंपियन का विधायक संजय गुप्ता को धमकाने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र की फैक्ट्री में भूख हड़ताल पर बैठे थे श्रमिक। लश्कर के विधायक संजय गुप्ता श्रमिकों को समझाने के लिए पहुंचे थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में संजय गुप्ता की दखलंदाजी से चैंपियन भड़क गए। हालांकि जी मीडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो यही है कि उन्होंने एमएलए संजय गुप्ता को धमकाया है। अब दो विधानसभा क्षेत्रों के बीच का यह मसला है। एक विधानसभा क्षेत्र है लश्कर, एक विधानसभा क्षेत्र है खानपुर। हरिद्वार की ये सीटें हैं। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन का एक ऑडियो अब वायरल हो रहा है। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन खानपुर के विधायक है। हाँ जी नमस्कार। क्या जेके डर गए हो तुम? हाँ जी हाँ जी। आज कैसे याद आ गई भाई तुम्हें? अभी इन्होंने कहा था तो आया मैं। किसने? ये सारे वर्कर्स गए थे, इनके अध्यक्ष जो भी थे। कौन अध्यक्ष है, नाम बताइए। इनके लिए विधानसभा में सवाल किसने उठाया? इनके लिए हरसिंह से लड़ा कौन? इनके धरने में पहुंचा कौन? जरा मुझे बताओ तो कौन सा अध्यक्ष गया, मैं देखता हूँ उसको। कौन सा अध्यक्ष गया आपके पास? मैंने किया जो किया आपने घुसने कराने के लिए मान्यवर, बता देना मुझे। भी कुछ आपने एक जरा भी किया हो मुझे बता दीजिएगा आप। हाँ जी, इनके लिए कुछ एक जर्रा भी किया होगा तो बता देना। स्वामी जी के आश्रम पर बैठकर जब बात हुई थी उसके बाद आप नहीं आए, उससे पहले उसके होटल में बात हुई थी जमदग्नि के, उसके बाद आप नहीं आए। आपने करा क्या इनके लिए? और आपके जाने से मान जाएंगे? मैं आ रहा हूँ अभी, मैं देखता हूँ कैसे उठते हैं। आमने सामने खड़े होंगे यहाँ पर, मैं देखते हैं कौन उठाता है इनको। जल्दी आवा जरा तुमसे। मेरे पास तो गए थे। कौन गए थे? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ भाई साहब। ये जो सात में से छह गए थे वो अशोक को छोड़ के। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भाई समझौता करा दो और क्या है। अच्छा, लो आप। अच्छा, मुझे मुझे यहाँ से मेरे क्षेत्र में है नहीं, मुझे क्या लेना। आपने संघर्ष क्या किया संजय जी इनके लिए? जी आपने संघर्ष क्या किया इनके लिए पिछले दो महीने में? मैं क्या करूँ इसमें? नहीं नहीं, आपने संघर्ष किया हो तो बताओ मुझे। मैंने तो आपकी हाँ है। नहीं नहीं, उस बात को छोड़ दीजिए, आपने हाँ मिलाई या नहीं मिलाई या मिलाई, लेकिन संघर्ष क्या किया भाई साहब? जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या करा? जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या किया आपने? आपकी हाँ में हाँ करी आज तक। नहीं, कुछ नहीं करा। आप हमारे बुलाने से नहीं आए स्वामी जी, और हम कहते रह गए आप नहीं आए। तो मैं तो वहां गया था, बात हुई। नहीं 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 नहीं, और आज आप इनको उठाने के लिए आ रहे हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री जी अभी नरेंद्र नगर गए हुए हैं, मैं उनसे समय ले रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है, ये गलत बात है। आप हमारे आगे हमारे यहाँ इस तरह का बदम नहीं आप फैला रहे हैं। मेरी मेहनत को आप खराब कर रहे हैं, मेरे मेरे जो वोटर है उनको खराब कर रहे हैं, मेरी इज्जत के खिलाफ आप आ रहे हैं। मैं ना आपके विरोध में हूँ। आपका बगैर बताए मेरे विधानसभा क्षेत्र की सुनिए, मेरे आंदोलन में आना, मेरे आंदोलन में आना। आपका मुझे बताए मेरा विरोध करना है भाईजान। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे बता बगैर बताए कैसे आ गया? आपके होता तो मैं बगैर बता रहा था आपको, आपसे पूछता मैं तो जा रहा हूँ। मैं उठते आप ना हो इसमें, आप ना पढ़ो इसमें भाई साहब। और हमारे संवाददाता नरेश गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन चाहते हैं कि भूख हड़ताल जारी रहे? और अगर पहुंच गए वहां संजय गुप्ता, भले ही बगल की विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति हैं, वहां के प्रतिनिधि हैं, तो इनको आपत्ति क्या है? देखिए, ये कुंवर प्रणब सिंह जी के बारे में जो है, कुंवर प्रणब सिंह जी अपना एक छत्र राज चाहते हैं। हर जगह उनका ये होता है कि जो भी है मेरा क्षेत्र है, मैं ही वो ये बताना चाहते हैं कि जो भी कुछ कराता हूँ मैं क्षेत्र में, मैं ही कराता हूँ, मैं ही विकास कार्य कराता हूँ, और मैं ही क्या कहूँ आंदोलन करवाता हूँ, मैं ही आंदोलन समाप्त कराता हूँ। तो ये आज मुख्यमंत्री जी का लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में कार्यक्रम था, तो इसी को लेके संजय गुप्ता क्या कहूँ
वहाँ जो आंदोलनरत लोग थे उनको वहाँ से आंदोलन से उनको ये प्रार्थना करने गए थे, उनसे अनुरोध करने गए थे कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। तो लेकिन जब उनको पता चला कुंवर प्रणव सिंह को, तो कुंवर प्रणव सिंह ने उन्हें फोन करके धमकाया कि तुम वहां पर क्यों गए और क्यों क्या तुम्हें वहां पर क्या तुम्हें आंदोलन में लोगों को अपनी तरह से क्या तुम्हें वहां से उठाने के लिए का प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि आप मेरे क्षेत्र में ना दखलंदाजी करें और मेरे क्षेत्र में ना है। लेकिन जब ये मामला फैल गया काफी इनका क्या तुम्हें काफी लोगों के पास था ये चीज, इनका वीडियो वायरल हो गया, तो क्या तुम्हें इन्होंने फिर दोबारा एक मैसेज दिया है कि संजय गुप्ता मेरे छोटे भाई हैं और मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, लेकिन नरेश मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो ये हो गई पॉलिटिकल रस्साकशी की बात दो विधानसभा क्षेत्रों के दो विधायकों के बीच में, और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का व्यक्तित्व तो किस तरह का है वो सभी लोग समझते हैं, जानते हैं, दबंग किस्म के नेता हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं वो ये हैं कि ये धरना प्रदर्शन या जो श्रमिक कर रहे हैं धरना वो खत्म ना हो? देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंवर प्रणव सिंह क्या एक ये रहता है कि वो जो भी कुछ हो उनके क्या उनके इशारे पर हो, उनके कहने पर हो, कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो ये उनकी अपनी इच्छा है कि जब वो चाहे तब धरना शुरू हो जाए, जब वो चाहे तब धरना समाप्त हो जाए। तो ये स्थिति है और इसी को देखते हुए उन्होंने यही बात क्या में संजय गुप्ता को कही कि ये मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में आप दखलंदाजी ना करें। लेकिन जब ये मामला ज्यादा फैल गया, तूल पकड़ने लगा और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था वहां पर क्षेत्र में, तो अब क्या में कुंवर प्रणव सिंह ने ये कह दिया कि संजय गुप्ता तो मेरे छोटे भाई हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए नरेश गुप्ता, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।